सादर वंदे, नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज आप सभी अभिभावकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। सादर वंदे, नमस्कार। आज हम कक्षा द्वितीय विषय संस्कृत एकादश पाठ भाग फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बहुवचन का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण किया गया है। भैया बहन इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। देखो भैया बहन, यहाँ पर आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? किसका चित्र दिखाई दे रहा है? बालक का। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर कितने बालक हैं? कितने? चार। तो कितने बालक हैं? चार। तो ये क्या हो गए? बहुवचन। बहुवचन हो गए ना। तो इस पाठ के अंदर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो अब इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। एते सात्राः, एते सात्राः, एते का अर्थ होगा ये, सात्राः सातर है, ये सातर है। एते के, एते सात्राः, एते के, एते सात्राः, इसका हिंदी अर्थ होगा ये कौन हैं? ये सात्र हैं। ये कौन हैं? ये सात्र हैं। अब आगे, सात्राः किं कुर्वन्ति, सात्राः किं कुर्वन्ति। अब हम चित्र में देखेंगे बालक क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सात्र पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो इसका संस्कृत होगा सात्राः पठन्ति, सात्राः पठन्ति, सातर पढ़ते हैं, सातर पढ़ते हैं। देखो भैया बहन, यहाँ पर आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? किसका? युवक का। युवक का दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ युवक की संख्या अधिक है, अधिक है ना, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो इस संस्कृत वाक्य में बहुवचन का प्रयोग करते हुए हम इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। ते युवकः, ते युवकः, वे युवक हैं, वे युवक हैं। ते के, ते युवकः, ते युवकः, तो इसका अर्थ होगा वह कौन हैं, वह कौन हैं, वे युवक हैं, वे युवक हैं। युवकः किं कुर्वन्ति, युवकः किं कुर्वन्ति, युवक क्या कर रहे हैं या युवक क्या करते हैं। अब हम चित्र देखेंगे, युवक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। उत्तर होगा युवकः धावन्ति, युवकः धावन्ति, हिंदी अर्थ युवक दौड़ते हैं, युवक दौड़ते हैं। देखो भैया बहन, आपको यहाँ पर किसका चित्र दिखाई दे रहा है? किसका? बैल का। बहुत अच्छा। बैल कितने हैं यहाँ पर? कितने? चार। संख्या अधिक है तो यहाँ पर भी बहुवचन है। तो संस्कृत में हम बहुवचन का प्रयोग करते हुए वाक्य समझेंगे। ते वृषभः, ते वृषभः, इसका हिंदी अर्थ होगा वह बैल हैं, वह बैल हैं। ते के, ते वृषभः, ते वृषभः,
इसका हिंदी अर्थ होगा वह कौन है, वह कौन है, वे कौन है, वे बैल है, वे बैल हैं। वृषभ किम कुर्वन्ती, वृषभ किम कुर्वन्ती। अब देखेंगे बैल क्या कर रहे हैं, चित्र देखिए, बैल क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं ना, तो इसका संस्कृत वाक्य होगा वृषभ चलन्ती, वृषभ चलन्ती, बैल चलते हैं, बैल चलते हैं। सभी अभिभावकों से सविनय निवेदन है कि भैया बहनों को एकादश पाठ का शब्दार्थ व संस्कृत वाक्य सहित हिंदी अर्थ संस्कृत नोटबुक में करवाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।